रहता, 15 दिन अगर हमको मिला होता तो केस की बहुत सारी। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा 15 दिन की मोहलत देता तो मुंबई पुलिस को चैलेंज करता हूँ कि सुशांत का मामला सच आ जाता। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं हरिराम। आज हम आपको बताएंगे कि बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जो उन्होंने मुंबई पुलिस को चैलेंज किया और कहा कि अगर मुझे 15 दिन की मोहलत देते मुंबई पुलिस तो सुशांत सिंह का मामला मैं बहुत ही जल्द निकाल लेता और सच क्या था वो भी अभी सब आप सबके सामने रहता। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जिस समय बिहार से बड़े अधिकारी 4 गए थे, गुप्तेश्वर पांडे ने उनको भेजा था महाराष्ट्र में वहाँ पे क्वारंटाइन के समय, और उस समय महाराष्ट्र में उन 4 अधिकारी को आईपीएस और बड़े कमिश्नर अधिकारी को क्वारंटाइन कर दिया था मुंबई पुलिस। और सच क्या था या छुपाने की मामला थी और इसके कारण उनको क्वारंटाइन कर दिया और उनको जांच करने में सहयोग नहीं किया। वहीं पे गुप्तेश्वर पांडे को जैसे ही इसके बारे में पता चला कि जो हमारे अधिकारी यहाँ से गए हैं जांच करने के लिए उनको क्वारंटाइन कर दिया, घर में बंद कर दिया है, तो उन्होंने सीबीआई यानी अपने ही मुख्यमंत्री यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह की। उसके बाद सीबीआई की जांच मांग हुआ और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच करने की मांग दिया। वहीं पे अब हम बात करें तो गुप्तेश्वर पांडे ने अपने एक सोशल मीडिया पर एक न्यूज एंकर से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं 15 दिन का चैलेंज देता हूं मुंबई पुलिस को, 15 दिन अगर हमको मिला होता तो केस की बहुत सारी सच्चाई सामने, और मैं वो सुशांत का हत्यारा कौन है और कौन उसको मौत की घाट उतार दिया वो हर एक बात मैं सच्चाई के साथ 15 दिन के अंदर ला कर रख दूंगा। इस पर गुप्तेश्वर पांडे जी का कहना है कि सुशांत सिंह का जो मामला है वो हम सिर्फ मुंबई पुलिस से 15 दिन की मोहलत मांगे थे मगर उन्होंने दिया नहीं, और उनका कहना ये है कि हमारे जो बड़े अधिकारी गए थे उनको क्वारंटाइन कर दिया और उनको जांच करने में सहयोग नहीं किया और उन्होंने कहा कि तुम जांच करने वाले कौन होते हो। तो दोस्तों अब गुप्तेश्वर पांडे एक बार फिर से सुशांत सिंह मामले में एक बार सुर्खियों में आए हैं और वो कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस फिर से छुपा रही है और इस बात को मामला को निपटाने की कार्य कर रहा है। तो दोस्तों अब देखना है कि क्या एक बार फिर से सुशांत सिंह मामले को लेकर चर्चा तो बहुत उठ रहा है, क्या इंसाफ मिलेगा या नहीं वो तो सीबीआई इस मामले में जांच कर रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।